दोस्तों एसपी हिंदुजा जो कि हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन थे उनका निधन लंबी बीमारी के बाद लंदन में हो गया है। वो 87 साल के थे। लेकिन कौन थे एसपी हिंदुजा जिनका नाम बोफोर्स कांड से जुड़ा था और जिनके बेटे ने खुद आग लगाकर आत्महत्या की थी। आज इस वीडियो में हम आपको सब बताने जा रहे हैं एसपी हिंदुजा और हिंदुजा ग्रुप के बारे में। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसे कहीं स्किप मत करिएगा और अच्छा लगे इसे लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों श्रीचंद परमानन हिंदुजा यानी एसपी हिंदुजा ये थे चेयरमैन हिंदुजा ग्रुप के। अगर आप इस ग्रुप के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं तो आपने अशोक लेलैंड के ट्रक्स और इंडसइंड बैंक जरूर देखा होगा। ये दोनों कंपनियां इन्हीं की हैं। आज हिंदुजा ग्रुप का जो बिजनेस है वो केमिकल्स, आईटी, बैंक्स और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा है। इसके अलावा और भी इनके कहीं बिजनेस हैं। देश दुनिया के टोटल 38 देशों में ये बिजनेस करते हैं और 2 लाख से ज्यादा लोग इनके इंप्लॉइज हैं। लेकिन एसपी हिंदुजा इन्होंने कैसे शुरुआत की हिंदुजा ग्रुप की, इस बारे में मैं आपको बताता हूं। एसपी हिंदुजा का जन्म 28 नवंबर 1935 को पाकिस्तान के कराची के सिंध प्रोविंस में हुआ था, बिकॉज 1947 से पहले ये सारा हिस्सा उस तरफ था। तो अब इनके जो पिता थे जिनका नाम दीपचंद परमानन हिंदुजा था यानी डीपी हिंदुजा था, इनका जो बिजनेस था वो ड्राई फ्रूट्स का था, कारपेट्स का था, यानी अच्छा खासा बिजनेस था। अब एसपी हिंदुजा जो थे इनके टोटल 5 भाई थे, जिसमें से इनके बड़े भाई का नाम गिरधर हिंदुजा था जिनकी मौत 1963 में हो गई थी और वो महज 33 साल के थे। तब एसपी हिंदुजा की जो उम्र थी वो 28 साल की थी। एसपी हिंदुजा दूसरे नंबर के भाई हैं और इनके बाद 3 भाई और हैं जिनका नाम है प्रकाश, अशोक और गोपीचंद। एसपी हिंदुजा की जो प्रारंभिक पढ़ाई है वो मुंबई में हुई और अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद एसपी हिंदुजा अपने पिता जिनका नाम डीपी हिंदुजा था उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाने लगे। उस समय ये लोग टेक्सटाइल्स का बिजनेस करते थे, फूड कमोडिटीज जैसे पोटैटोस, अनियंस का बिजनेस करते थे और आयरन ओर को इंडिया से ईरान भी सप्लाई करते थे। तब ये परिवार ईरान में सेटल हो चुका था। लेकिन इस परिवार में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1971 यानी 1971 में दीपचंद यानी जो पीडी हिंदुजा थे, जो एसपी हिंदुजा के पिता थे, उनकी मौत हो गई 1971 में। तब एसपी हिंदुजा पूरे परिवार को लेकर ईरान से लंदन सेटल हो गए और अपने बिजनेस को देखने लगे। बहुत बड़ा मोड़ हिंदुजा ग्रुप की लाइफ में 1980 से 90 के दशक में आया जब ये लोग एक्वायरिंग में आ गए। आपको पता होगा जो अशोक लेलैंड है पहले वो ब्रिटिश लेलैंड था, इन्होंने इसे एक्वायर किया और ब्रिटिश लेलैंड का नाम बदल के अशोक लेलैंड रख दिया। इस तरीके से इन्होंने गल्फ ऑयल को भी एक्वायर किया शेफ्रॉन से और इसका नाम भी बदल दिया। इसके बाद स्विस के कई बैंक्स भी एक्वायर किए और 1980 से 90 के दशक में इनका रुतबा इतना बढ़ गया था कि ये टाटा और अंबानी के लेवल में आ गए थे। लेकिन 1987 आते आते यानी 87 आते आते एक बहुत बड़ा झटका इनको लगा जब इनका नाम बोफोर्स कांड में जुड़ गया। ये आरोप लगाए गए, वहां के डीएन के एक न्यूज़पेपर ने एक आरोप लगाया कि बकायदा हिंदुजा भाइयों ने एसईके यानी जो स्विस करेंसी थी उसमें 81 मिलियन की घूस ली ताकि जो बोफोर्स का ठेका था ये उस कंपनी को दिलाया जा सके। अब इस आरोप की आज तक कोई भी साबित तो नहीं हुए हैं क्योंकि कोर्ट्स ने इन्हें बरी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ऐसा कहा जाता है कि इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था जिस कारण इन्हें इस कांड में फंसाया नहीं जा सका। खैर बोफोर्स कांड में तो हिंदुजा ग्रुप का नाम बहुत शामिल हुआ, पर खैर ये इन्हें फंसाया नहीं जा सका। एसपी हिंदुजा को सबसे बड़ा झटका 1992 में लगा जब उनके बड़े बेटे धर्म ने सुसाइड कर लिया। अब हुआ कुछ ऐसा कि धर्म को एक रोमन कैथोलिक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन कंजर्वेटिव हिंदुजा फैमिली ने यह इजाजत नहीं दी कि धर्म उनसे शादी करे। इस बात का धर्म को बहुत दुख लगा और उन्होंने हालांकि उससे शादी कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी परिवार नहीं माना तो धर्म और उनकी पत्नी ने एज अ सुसाइड पैक्ट मई 1992 में मॉरिशियस के एक होटल रूम में दोनों में आग लगा ली। इस कांड के कुछ दिनों बाद धर्म की तो अस्पताल में मौत हो गई लेकिन उनकी पत्नी बच निकली। तो इस कदर एसपी हिंदुजा ने अपने बड़े बेटे को खो दिया। आपको एसपी हिंदुजा की लाइफ से जुड़े कई और फैक्ट्स भी बताते हैं कि एसपी हिंदुजा स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन और टी टूटलर थे, यानी वो शराब नहीं पीते थे और इस कारण जब वो बकिंगम पैलेस जाते थे रानी से मिलने या उनकी पार्टियों में शामिल होने तो वो अपना खाना खुद लेकर जाते थे।
आज हिंदुजा ग्रुप का बिजनेस दुनिया के 38 देशों में फैला है और आईटी सेक्टर, बैंकिंग, केमिकल्स, इन सब में इनका बिजनेस है और तकरीबन 2 लाख से ज्यादा इंप्लॉइज इनके लिए काम करते हैं। एसपी हिंदुजा, जिन्होंने इतने बड़े ग्रुप की अगुवाई की, इसकी नींव रखी, ये कहा जाता है कि वो डिमेंटिया यानी पागलपन के शिकार हो गए थे और काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इस कारण 87 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी मधु की मौत भी इस साल जनवरी में ही हुई थी। इसके बावजूद एसपी हिंदुजा का सफर इतना लंबा सफर रहा और इसमें इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी सेटअप की। क्या आपको हिंदुजा कंपनी के बारे, एसपी हिंदुजा के बारे इतनी सारी इंफॉर्मेशन पता थी? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, वरना नो लिखिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट जरूर करिए ताकि ऐसे वीडियोस हम बनाते रहें।